आके बाकी स्कूलों में भी कंपेरिजन करना अपना लीक अपनी लंबी करनी है जिदा पहला कह चुके मीडियम है सारिया सहूलत हुनेवे मैथड दे नाल इत्थे पढ़ाई हो रही है। मैं धन्यवाद करना प्रोफेसर पोर्टर लागी जी साढ़े दरम्यान पहुंचे इन्हों का इतने पहुंचने से मैं इन्हों जी आया भी कहना और सारे नगर वासियों के द्वारा फिर बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इन्नी शिद्दत और लगन के नाल गुरु ग्रंथ साहब जी के चल जी स्कूल ही इस नगर का अपना स्कूल है क्योंकि काफ़ी बच्चे जोड़े इस जजा कोर्ट तो उसे स्कूल पढ़ आते हैं और वह भी स्कूल आप कोशिश की है कि वधिया बन चुका है इंग्लिश मीडियम पंजाबी मीडियम हर एक तरह की लैब हर एक तरह का पार्ट हर एक सहूलत जी कि उस स्कूल में दाखिला। मैं ये गल सोचता हूँ कि जो बच्चे का टर्निंग पॉइंट आता पांचवी तो बाद छेवीं बच्चे दाखिल हों पहली दे दाखिल हों उस वेले जो पेरेंट्स न मापियां बड़े ध्यान के नाल चोण करनी होंगी है स्कूल की। कई बार इस मेरी हाथ बन के बेनती है कि जे बच्चा होशियार कोशिश करो कि कुछ बन सकता वैसे तो बच्चा सारे में टैलेंट होंगे गल ये भी बच्चे को नहीं पता होंगे कि मैं कितने जाना किस पास जाना कितने मैं कि स्कूल ज्वाइन करना ये बेनती है कि वधिया स्कूल तुम चुनना और सारे संतों का जिन्होंने इतने मैं मौका दिता सारे का धन्यवाद सारे का वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरू जी की पैर हुए है जेडे उन्हें भी 20 साल इस स्कूल में अपन सेवा दतिया इस स्कूल वो अपना प्यार इन्ना दिंदे रहे हैं कि वो अज भी सानू हर वक्त जो सहयोग की लोड़ होंगी और सहयोग सानू दिंदे आ बीबी महिंदर कौर जी पिंड वासी बच्चे होर बाहरों आए सज्जन पहला सब तो सारू का धन्यवाद वाहेगुरु जी का खालसा श्री वाहेगुरु जी की फतेह। मैं बहुता कुछ नहीं कहना चाहती इतने पर इन्ना जरूर दसागी जो मैं इस स्कूल ज्वाइन किया पांच टीचर से 250 हौली हौली टीचर बदलते गए बच्चे घटते गए जिहड़ी पोस्ट खाली हो गई उहदे थां ते भर्ती नहीं हुई एंड दे विच सिर्फ एक मैं रह गई इत्थे जबकि मेरे कोल बच्चा उस वेले 150 सी पहला असीं लोकां दी मेहनतां करदे हुंदे सीगे वी साडे कोल बच्चे लाओ जब मैं कल्ली रह गई ते अंग्रेजी स्कूलां 'चों उठा के बच्चे मेरे कोल आउण लग पए मैं लै के आया कहिंदे कि असीं देख लिया कि जिन्ना कुछ वो दसते पे हैं उस तो बाद इतने बच्चे सीख रहे हैं क्योंकि मैं इस तरह उस उन्होंने बच्चों को ढाल लिया किसी को फटियां लिखन लाती हैं किसी को लेख लिखन लाता किसी को सवाल करने को देते सारे बिजी कर देना कि बच्चे वेले ना रहन जितों तक मैं ये भी सुनिया कई कहते मैडम जी भी मिलती थी मैं क्या तुम टीचर ले आओ मेरा कहना सी मैं कली नहीं लेंदी सो सारी संगत का बहुत बहुत धन्यवाद जिड़े भी चल के आए हो। सो मैं जब इतने आया 2018 के बच्चे 6-7 से बच्चे तो मेरा स्कूल है किसान जगह तो जो उस तो पहले मेरा एक्सीडेंट हो गया था तो मेरे सिर सट लग गई थी तो मैं बीते सर कहते भी स्कूल पंगा ले गया जो कुछ शिकायत आदि रहनियाँ तो मैं इदा कहना चाहता इतने कर ला ड्यूटी कर ला भी थोड़े जो बच्चे हैं भी चल तू अपना रेस्ट भी कर ली छुट्टी ना होता है सामने कोई प्रॉब्लम आ रही मैं तो 2 दिन इतने आया तो बच्चा कोई भी नहीं तू मेरा टाइम से मैं आगू से ही चलता थोड़ी देर बाद जो देखा ही बच्चे आए ने मैं ऐसा लगे भी मेरी तो ध्यान पै रही है मेरी सैलरी तो आनी है नहीं है पर मैं करता कि मैं दूजे कि दिन चलो 2 दिन बाद मैं लै चला गया पिंड बच्चे बच्चे जो इकट्ठे किए तो हम भी बच्चे आने से आने शुरू हो गए बच्चे भी 12 बजे कहते साढ़े क्लासों में छुट्टी कर दो 12 बज गए सू पहले भी छुट्टी पैन दी जल्दी चलो हौली हौली करके बच्चे ने तो जल्दी कभी छुट्टी कर देनी आदत बनाई उन्होंने हौली हौली बैठन की हम जो मैं कुछ 7 बच्चे सके इस टाइम 55 तो उपर बच्चे है स्कूल के सो ये सारा जरा जिते साढ़े मेहनत स्टाफ है इन्होंने करके उसे पिंड वास का बहुत सहयोग है स्पैशल जो मैं शुरू में आया तो नाम जी मेरे को आए संधु साहब इन्होंने मैं बहुत सहयोग दिता मैंने किसी चीज़ की जरूरत होंगी सी
इन्होंने आके मेरे नाल मुंडे नाल मुंडा ला के पैसे मतलब भी मदद की थी, वैसे भी बड़ी सपोर्ट की थी। सो मैं सारे का बहुत बहुत इतने आने धन्यवाद करता और मैं आस करता हूँ कि आने वाले समय में भी सहयोग कर रहे हो। मतलब मैं एक चाहना सर भी जे आप पिंड रीच लाइए भी जो कोई भी खुशी कमी का टाइम होंगे या बच्चे का जन्मदिन है तो आप स्कूल आके सैलीब्रेट करिए। जिंदा एक तो यह है कि चलो आप तो जितने अपनी श्रद्धा होंगी मंदिर गुरुद्वारे आप उसे भी करते हैं पर यह बच्चे भी थोड़े ही है, स्कूल भी थोड़ा ही है। सर एक पिंड की बड़ी शर्म वाली गल होगी कि उस पिंड स्कूल ही ना हो जो स्कूल वधिया ना हो जितने एड्डी वड्डी बिल्डिंग वाली होंगे तो स्कूल दियाँ कंधा या स्कूल का फर्श जरा टुटा हुआ हो बड़ा मतलब और जहा लगता है ये चीज़ें। सो मैं आस करता कि आने वाले टाइम के जो हमेशा सहयोग बनाया होगा। ठीक है, सो बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी के खास तौर पर। ठीक है सर, एक मिनट आगे जी बढ़ जाए। इधर देखो अंकल जी वेट करो। सर रहेंद्र सर इधर देखो भाई कल देखो वेट करो। सर सामने सर सर ठीक है जी एक बार वेट करो भाई। ब्लॉक ग्रांट टू जिला जलंधर विखे अज स्कूल का सालाना समागम कराया गया जिस शिशु प्रसादी का पाठ सीखा गया और बच्चों ने जो साल के बच्चे फर्स्ट सैकेंड थर्ड आए उन्होंने आराम सो आई हुई संगतों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने भी स्कूल में सहयोग किया उन्होंने सब का बहुत बहुत धन्यवाद। सर स्कूल किन्ने बच्चे ने? स्कूल में अब तक 55 बच्चे हैं। टीचर किन्ने ने जो सरकारी है? टीचर असं एक सिंगल टीचर हाँ उस तो बाद पिंड सहयोग ना दो टीचर भी रखे नहीं जिदा नवी सरकारी तो की आस रखते हो? असं सरकार तो आ सकते जिन्नी भी खाली पोस्टा भरिया जा बच्चों जो वाइया पढ़ाई पहला जिस वेले सरकारी प्रायमरी स्कूल अज तो तकरीबन 25 साल पहले 5 टीचर होते थे जेडे कि हूँ एक टीचर रह गया से साड़ी खुशकिस्मत ही है कि जेड़े उस टीचर ने साडा खेड़ा छड़ता बलबीर कुमार जी ने कि उन्होंने साढ़े स्कूल का बेड़ा गर्क कर दिता से 70 बच्चों तो 7 बच्चों के उत्ते स्कूल आ गया से यह जो सारा क्राइड यह रजिंदर कुमार जी उन्होंने जाता है क्योंकि इन्हें 7 बच्चों तो अज 55 बच्चे तक यह पहुँच कर दिती आ पिंड का सहयोग इदा ही दोबारा जारी रहेगा। असं सोचते हैं कि भी जो प्राइवेट स्कूलों में बच्चे पढ़ते हैं वो भी इतने अपग्रेड करके तो वह भी बच्चे इतने लिया जाए सुपना आ तो असं सरकार तो भी मंग करते हैं कि जिन्हिया क्लासा उन्ने टीचर दते जा तो साडा जिहड़ा है सुपना वह भी साकार हो सके तो बच्चों का भविष्य भी बन सके। वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी। देखो सर कई स्कूलों के पोस्टा फिल लेकिन कुछ प्राइमरी स्कूल जोड़े वो सिंगल टीचर आ जाए इतने तक कि टीचरलैस भी आ तो जोड़े मापे वो बच्चे सरकारी स्कूल पढ़ाने तैयार आ तो पिंड वाले भी बहुत उपराला करते एन आर आई मेरे वीर पिंडा की नुहार बदली उन्हें स्कूलों की उन्होंने धन्यवाद आ पर सरकार को चाहिए कि जोड़े टीचर आ वो सारे स्कूलों में पूरे हो बच्चों की गिनती के मुताबिक। सर जोड़े सरकारी जो मुलाजमे आ उन्होंने तकरीबन बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते कि नहीं? हाँ जी सर ये तो सारे दे पढ़ते जिन्हें जे मैक्सीम पढ़ते कई कई सरकारी भी है
लेकिन घट गिणती है जिन्हें प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं। सर जो सरकारी टीचर है ज मुलाजम आ उन्होंने सरकारी जो स्कूल से क्यों भरोसा नहीं क्यों अपने बच्चे दूजे माड़े सर टीचर की नकली गल करो क्योंकि मैं सारे मंत्री गल करता एम एल ए गल मैं सर डीसी तो लैके मैं मुख्यमंत्री तक गल करता एक प्राइमरी टीचर तो लैके क्योंकि अगर मास्टर की गल करिए मास्टर कल नहीं मुलाजम वो बाकी विभाग भी आते हैं अगर सरकार चाहे तो इन सहूलत दे दें कि सारे डीसी का बच्चा और एक पीएन का बच्चा एक डेस्क पर बैठ के पढ़न असं ये चाहते हैं।